ही बड़े संदेश के साथ एक फिल्म हुए बच्चों को कि बड़े चाहते में हमने पहले भी देखी और भी देखी है, जैसे सब सभी लोग जानवर हैं जैसे का, अब वो जो कैरेक्टर है फिल्म का वो कौन से जानवर। देयर इज अ टाइगर इन एवरी अंडरडॉग। जी हाँ, ये बहुत ही बड़े संदेश के साथ एक फिल्म आज रिलीज हुई है जिसका नाम है चिड़िया खाना। मनीष तिवारी जी की ये फिल्म है, फुटबॉल के साथ में कनेक्ट करते हुए बच्चों को कि बड़े जो बच्चे करना चाहते हैं वो करें, इस संदेश के साथ में कुछ फिल्में हमने पहले भी देखी और भी देखी हैं, लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि जब बच्चा या जब हमारा फियर है, जैसे सब सभी लोग जानवर हैं, जैसे कहा जाता है कि ह्यूमन ऑल्सो एनिमल, तो उस जब वो फियर आपके अंदर आ जाता है तो आप एक जानवर बन जाते हैं। और जानवर, अब वो जो कैरेक्टर है फिल्म का वो कौन से जानवर की शेप लेता है और वो अपने डर को बाहर निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है, वो बड़े संदेश के साथ एक खूबसूरत फिल्म, साफ सुथरी फिल्म, पारिवारिक फिल्म आपको देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में, जो कि बेहतरीन अभिनय के साथ साथ जिसमें प्रशांत नारायण है, जिन्होंने आपको प्रशांत को आपने बहुत सारे ऐसे किरदारों में देखा होगा जो साइको किलर हैं और नेगेटिव भूमिकाओं में बहुत रहते हैं, वो आवाज़ के बहुत ही बड़े धनी हैं, उनकी आवाज़ में एक बड़ी खनक है। और गोविंद नामदेव जी हैं, राजेश्वरी हैं, बहुत दिनों बाद आपको देखने को मिलेंगी पर्दे पर, और रवि किशन साहब हैं। तो कुल मिलाकर ये फिल्म मोटिवेशनल फिल्म है, इंस्पिरेशन फिल्म है और लाइफ की जो फिलॉसफी है उसको दिखाती है। इस तरीके की फिल्में जैसा मैंने पहले भी बताया कि आई हैं, लेकिन इस फिल्म में ट्रीटमेंट कुछ नए अंदाज का दिया है डायरेक्टर मनीष तिवारी ने, और फुटबॉल के खेल से कैसे जिंदगी के सपनों को जी सकते हैं, कैसे जिंदगी के सपनों को बदल सकते हैं, साकार कर सकते हैं, वो ये फिल्म दिखाती है। एक बैनर और इसके साथ में प्लस हुआ है, जी म्यूजिक के साथ ये फिल्म है, सिनेविंग्स प्रोडक्शन मुंबई। इस फिल्म को मुझे लगता है कि जरूर देखने जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी फिल्में आजकल ऐसी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को खराब करती हैं या आपके मन को बहुत खराब करती हैं, जिसमें बहुत सारे लाइव मर्डर्स दिखाना या मतलब इस तरीके की फिल्में कि वो पर्दे पर कुछ चीजों को नहीं लेके आना चाहिए, अच्छा नहीं लगता परिवार के साथ बैठ के देखने में। और मनीष तिवारी बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, उनकी एक फिल्म हमने देखी थी दिल दोस्ती एक्सेट्रा, एक अलग तरीके की फिल्म थी और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग तरीके का है चिड़िया खाना का। हमने बचपन से ये सुना है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो ये चिड़िया खाना है, इसको उन्होंने इस कंसेप्ट को किस तरीके से कंसीव किया है और एक बेहतरीन संदेश वो इस फिल्म के माध्यम से देना चाहते हैं बच्चों को लेकर, या बच्चों को ना मोटिवेशनल मोटिवेट होने की जरूरत तो बच्चों को भी होती है और सभी को होती है, इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, तो ये फिल्म मुझे लगता है उसी मुद्दे की बात करती है कि जो अपना जानवर है या जो हमारे ऊपर जो डर और जो फियर हावी है उसको कैसे बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए और अपनी जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो आप किसी से भी इंस्पायर होकर और मोटिवेट होकर कर सकते हैं। ये फिल्म का बड़ा संदेश है, इसको जरूर देखना चाहिए।